पूजा इतनी मजबूत हो जाती है कि कुछ भी संकल्प करोगे वही हो जाएगा। ये अक्षमता देवों के अंदर नहीं होती। देवता कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। आपके मन के अंदर विचार होंगे कि देवता कुछ भी कर सकते हैं, किसी को कुछ भी दे सकते हैं, वो आजाद है, सब कुछ है उनके पास और वो हमारे ऊपर कृपा कर सकते हैं, बहुत सारा धन दे सकते हैं, माया दे सकते हैं और सुख सुविधाओं के लिए बहुत सी वस्तुएं प्रदान कर सकते हैं, लेकिन ये आप लोगों का भ्रम है। वो परमात्मा के द्वारा निर्धारित कुछ वस्तुओं को बस इधर उधर करने के लिए है कि वो आप हमको देते रहो, वो आपको देते रहेंगे, लेकिन अगर आपके पास देने के लिए कुछ नहीं हो भी आपको कुछ नहीं देंगे। लेकिन अगर आप भजन करोगे, देवता लाइन में खड़े इंतजार करेंगे, एक दृष्टिपात हमारे ऊपर होगा, एक दृष्टि हमारे ऊपर गिरेगी, कल्याण हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर इतनी ऊर्जा हो जाएगी। जो परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, कई लोग मेरे से पूछते हैं क्या मुझे परमात्मा मिल गए, मैं देखता हूँ कि ठीक है भाई चला जाओ यहाँ से। अगर परमात्मा की आवश्यकता होती या परमात्मा मिल जाते तो ये सवाल नहीं पूछते, बिल्कुल भी ये सवाल ही नहीं रहता। अंदर में इतना भय रहता है हर चीज को खोने का। अगला सवाल पता है क्या होता है, मृत्यु का डर बहुत ज्यादा है, कहीं मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए, पत्नी मेरे से दूर ना हो जाए, लड़ाई झगड़ा चल रहा है आजकल। परमात्मा दूर है और जब आप खोज लोगे तो उसे नजदीक आपका कोई भी नहीं है। मैं भी उनसे नजदीक नहीं हूँ आपके लिए, क्योंकि मैं भी दूर हूँ, लेकिन वो आपके इतने करीब हैं, इतने अपने हैं, इतने आपके हैं कि ना पुत्र इतना करीब हो सकता, ना पत्नी इतनी करीब हो सकती, ना भाई इतना करीब हो सकता, ना माता पिता इतने करीब हो सकते। वो इतने करीब हैं आपके सब रिश्तों से, क्योंकि वो आपके अंदर में है। अगर वो निकल गए तो फिर आपका वजूद ही नहीं रहा। तो उस वजूद को बनाए रखने के लिए जो ऊर्जा कार्य कर रही है, जो ताकत काम कर रही है, जो ताकत आपके शरीर को बनाए रखने के लिए, चलाए रखने के लिए, इसके अंदर शक्ति प्रदान कर रही है, वही वो तत्व है जिसकी आपको पहचान करनी है, जिसको आपको प्राप्त करना है, जिसकी खोज करनी है, जिसको पा करके जीवन मुक्त हुआ जा सकता है। लेकिन उसकी प्राप्ति के बिना जीवन मुक्त नहीं हो सकते। संत जो होते हैं जिन्होंने चुप चुप करके बोला, एक एक श्लोक चुप चुप करके बोला, इंसान को मार्ग दिखाया, इंसान को ब्रह्म तक ले करके गए, इंसान को ब्रह्म तत्व यानी ब्रह्म बना दिया। जब आपको वो मिल जाएंगे, आप में और परमात्मा में कोई भेद ये समझ लो, आप में एक % भी भेद आदमी नहीं है। लेकिन प्राप्ति के बाद जो आपके अंदर ये भ्रम है कि मैं मानव हूँ, मैं जीव हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री पुरुष हूँ, मेरा ये धर्म है, मेरी ये जातियाँ हैं, मेरा ये पंथ है, ये सब भेद समाप्त हो जाएंगे। मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि मैं उस पंथ से हूँ, साधना कर रहा हूँ बहुत समय से, लेकिन साधना का पता ही नहीं, साधना कैसे करें, संसार के अंदर फंसे हुए हैं,
और ना ये पता किसकी साधना करें, क्योंकि जिसका पंथ बना उसी पुस्तक के सामने हम हाथ जोड़ने लगे, उसी संत महात्मा को हमने परमात्मा मान लिया। जब तक वो संसार में थे तब तक सही था, वो रास्ता दिखा रहे थे, मार्ग पर चला रहे थे, उपदेश कर रहे थे, जीवों का कल्याण कर रहे थे, दूर जगाने का प्रयास कर रहे थे, सही रास्ते के ऊपर ले जा रहे थे, कृपा कर रहे थे, दया कर रहे थे, और उन्हें युक्ति बता करके उस दरबार का दर्शन करा रहे थे। लेकिन जाने के बाद हम फिर दौड़े उनके पीछे, जो है वो आपको मिलना मुश्किल है, जो चले गए उनके पीछे भागेंगे। फिर ये विचार करते हैं, जो इन्होंने बोला वो सही है, जो आज भी ये बोल रहे हैं ये गलत है। हमारी आपस की लड़ाई चलती रहती है, भ्रम पैदा होते रहते हैं, और फिर इसी भ्रम में और लड़ाई में ब्रह्म छूट जाता है, जो सार्थक है, जिसके कारण आपका वजूद है, आपका स्त्री पुरुष मानव जो भी है, ये वजूद उसी के कारण से है, चाहे कोई भी प्राणी हो। जब ये प्राण निकल जाएगा वजूद समाप्त हो जाएगा। इस संसार में लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं, सबकी नजरें अलग होती है, देखने का नजरिया अलग होता है, सोचने का अलग नजरिया होता है, बुद्धि अलग अलग प्रकार से काम करती है। जिस प्रकार से किसी वृक्ष के पास से गुजर रहे हैं, कोई फलदार वृक्ष हो, कुछ लोग सोचेंगे बड़े अच्छे फल लगे हुए, वह उसके पास से गुजरेंगे सोचेंगे ओस दिए पौधा, जूस वाला सोचेगा बड़ा अच्छा जूस बनेगा, इस फलों की निकाल करके पीएंगे ना बहुत अच्छा लगेगा। शराबी आदमी सोचेगा शराब की फैक्ट्री वाला, अरे इससे अगर शराब बनाई जाए तो लोगों में बहुत नसीबी शराब होगी, तो बहुत मजाई मिलेगी। जो फूलों की जानकारी रखता होगा, आपको देखता होगा, वो सोचेगा इसे कोई औषधि बना ली जाए इसके पुष्पों से। जिसके खेत में वो वृक्ष होगा, किसान सोचेगा मेरी फसल में बड़ी रुकावट आ रही है इसकी छाया के कारण से, जड़ों के कारण से, क्यों ना इसकी जड़ें काट दी जाए और इसकी छाया कम हो जाए, थोड़े से गेहूं और ज्यादा हो जाएंगे। लकड़ी वाला जो कारीगर है